में पीवाने रुपया में मांगाने एक एक रामे तो जो ओको नहीं कर रहा 15 साल होगा 10 साल होगा फिर यहाँ देखा भाई कर हन के राखन वो वोट तो दे जा देख फसा भाग जाए इस कीचड़ को देख कर भाग जाते रिश्ते वाले इन देख कर फसा भाग जाए नहीं तो रिश्ता मकान सचू बना। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एबी प्लस टीवी। साथियों, एबी प्लस टीवी की टीम डेंगू व मलेरिया पे आपको लगातार अपडेट दे रही है। इसी के साथ शहर के सीकर शहर के उन सभी वार्डों की लाइव तस्वीरें दिखा रही है जिन वार्डों की स्थिति काफ़ी दयनीय है और उन वार्डों की तरफ हमारा प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। तो आज हम आए हमारे सीकर के शिव सिंहपुरा गाँव में और इस गाँव के लोगों की मुख्य समस्या है जल भराव की। तो इस समस्या की आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं। हमारी छोटी गंगा, इस तस्वीर को देखकर मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है क्योंकि मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया। हमने रन फिल्म जरूर देखी होगी, उसमें वो कहता है ना छोटी गंगा। तो ये है हमारे सीकर शहर की मानो या शिव सिंहपुरा की मानो, ये है हमारी छोटी गंगा। तो हमारे जो नेताजी है, नेता लोग है, चुनाव के वक्त जनता याद आती है परंतु वह चुनाव गए और जनता को भी भूल गए, ये हाल हमारा। नेता मस्त, जनता परेशान। हमने गांव वालों से, कुछ ग्रामीण हमको यहाँ पे मिले, हमने उनसे बातचीत की तो ग्रामवासियों ने इस तालाब की गहराई लगभग 20 फुट बताई। तो इस 20 फुट गहराई वाले तालाब में, या आप आसपास देख सकते हैं बहुत घर है, तो यहाँ से जो कोई बच्चा खेलता कूदता यदि इस तालाब में गिर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल पूछता हूँ मैं हमारे प्रशासन से। नेताजी होंगे इसके जिम्मेदार? नहीं, गिर जाए तो एक पानी और मैं खूब बढ़ जाए तो मैं मारी गोड़िया में पानी बढ़ जाए तो मैं परेशानी में आए, यूं बहुत दुखी हूँ। डांस सही क्यों ही की पैदा हुआ कमा हाँ। तो डेंगू बुखार हुआ तो छोर तरह का छोटा मोटा सही है समस्या तो घनी है अपना आपको गवर्नमेंट क्यों करे देना हुआ है कुछ सुना देना हुआ है बोटल टाइम तो बोर्ड तो ली ले रोड से हल क्यों करेंगे नहीं हाँ भी तो हुआ है करो कोई सत्तन तो प्रशासन से आपने शिकायत नहीं की? मैं कांटी कितनी बार दे दी एप्लीकेशन भी दे दी लिख लिख कर और इको कोई समाधान को नहीं करे बोले अब कर्शा पर इको हाल समाधान कोई को नहीं कर रहा है। अब हाँ सरपंच आया जना तो वोटा दान तो घना भाग भाग रहा है और ये पानी कोस के लोकर बा कोई को नहीं आया। ये जो समस्या है तो ये जल भराव की, इसको कितने साल हो चुकी है, कितने वर्ष हो चुकी है? 10-11 साल होगी भाया। हाँ 10-11 साल आराम से होगी। ये पहले इंद्र जी सरपंच हुई हो जना बोले यार पानी छोड़ दियो जो ये आइस बोर्ड को छोड़ दियो और अब अठिन गाँव को यार उठी नहीं छोड़ दियो तो मैं परेशानी में आवा पानी के विजय सुन तो दुख किया जीतरी मार तो मुंडा हां मारी छोड़ दिया यार और क्यों को नहीं करियो मां तो मीणा कर बड़ाया का ओ यार गंदगी छोड़ी और क्यों कौन छोड़ियो मुंडा का यार हां अठे बीमार हुए तो बच्चा हुआ है छोटो मोटो जाए तो यार कुछ भी लावे तो यार अठे गंदगी मकबान नम गिर जाए। अब आते हुए जानवर मर अब तक दो सरपंच चेंज हो चुके हैं तो सरपंचों का क्या कहना है? सरपंचों को अब तीसरा हो गया सरपंच ओ कह समर्थन होची होची जाल तो हुई हो तो आज कोई वोटा नहीं टाइम था अगर आप कोई को नहीं आवे हाँ कोई अब कोई नहीं आता अब कोई सरपंच को नहीं हाँ। वोटा नहीं टाइम आपका वोट ले लिया और आपका बढ़ गया आपको गलो करें का माँ बाप को मारा हूँ है कि मरना हुआ तो जहाँ कटेलिया। इस जल भराव की समस्या की वजह से जो आसपास घर है उनके बच्चे खेलते कूदते रहते हैं वो बीमार नहीं होते क्या कोई यहाँ पे डेंगू मलेरिया? सह मार तो काल परसों ही हो रही अब काल भी नहीं मारता बींद नहीं होगी टबर हो जाए मैं खुद होगी 2-3 बारी और आप क्या करा दवाई ले लिया फिर लिया हाँ तो आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है कोई कौन करा कोई सुनवाई कौन करा सरपंच ने कौन करे सही बात करे ये पानी के बीजे से सब दुखिया कोई का डंडो हां न तो कोई को कोई डंडो कोई कुछ भी जाप तो करे पर कोई गेलो ही कोनी को तो वो तो लिया यार रखे गंदगी लिया बखेर जा मार बहान नाम बखेर जा। तो ये सीकर शहर का पानी है या गांव का पानी है? गांव का पानी आ रही है इस बोल्ट का पानी है
मका गांव को पानी अठिनु को और इको इको हां अठिनु सा कॉलोनी को आवा अठिन के चार मेर की कॉलोनी को पानी ने ओठेलिया छोड़ दियो मकबान ने पहले को नहीं ओठे पानी। अभी ये हालात है तो बरसात के वक्त क्या हालात होगी? हाँ, तो अभी मैं क्या हालत हो रही है तो बरसात आवे ना तो हमारे गुआड़िया का माए गरम पानी बढ़ जाए रोटी बना रखा हुआ कौन सका अगलो आदमी देख देख जाए तमाशा देखा लोग तो तमाशा देखते हैं सब की इनके घर में पानी आ गया तमाशा देखता है भैया लोग तो मोटर लेर खिड़की बंद कर रही और बाद में देख बा वही पानी ने जब हमारी कौन सुने सही है। मोटर का माँ बैठ हर बाद में आओ खिड़की बंद कर। अच्छा खिड़की बंद करके गाड़ी में बैठ कर आते हैं इस आपकी समस्या को देखने के लिए। भाई देखा कहीं पैसे वाले लोग पैसे वाले लोग अच्छा मीणा और बड़ाई जीवी है जीवित है या मर गए ये सोचते हैं गांव का तो देख कर पता उड़ जाए सड़क सड़क बढ़ावो। अच्छा ये आसपास जो भी घर है ये जो बढ़ाया कहीं बलाई और मीना के है ये घर हाँ सासिया कहीं तो बांग भी मारे बढ़ाया कर मीना कर अगो ज्यादा घर तो हाँ मारे बड़े गुआ हम तो देखो गरीब है ने बाका है ज्यादा गरीबा का है ज्यादा दुखी सही बात कही बांस पर चढ़ रहा जो बजार अठे मका वाणी गेरगा मुंडा का हाँ जब परेशानी में जाता मैं हाँ सरपंच जी त्याग देना वोट लिया देना तो घना ही भाया मीठा मीठा बोल ले लिया और पचक बोले हाँ ये लोग चुनाव के वक्त नेताजी गेट के बाहर तैयार मिलते हैं जना था बांधना का छाती भरी आवे एक बार कोने चार बारी आवे अब बस एक बारी कोने आवे भाया अब कोई नहीं आता अब कोई कोने आ मतलब कि मतलब निकल गो बांगो और बाबो मतलब बावला जाओ जुआ जाला पर मैं बावला है जो कोई सुनाई नहीं करे दान वोट के अंदर जा पर मैं तो ये सो जाओ भाई गरीबन आपन वोट रा कर काई कोने दे जो बापड़ा चल ले तो कस कस क्या मीठा तो जनाई तो जो मैं तो आ रही हमारी होती रे मांग तो समस्या है भाया। तो आप लोगों के वैसे अब सीकर शहर में डेंगू मलेरिया की प्रकोप चल रहा है हाँ, है ना हाँ। तो आपके तो मेरे को लगता है इस गंदगी की वजह से हर सीजन ही बीमारी रहती होगी रहती है भाया हर सीजन ही अभी हमारी जाई को नहीं भाया रहती है मोहल्ला का माँ तो थोड़ी एलर्जी हो गई गंदा पानी अच्छा इसकी वजह से एलर्जी हो रही है तो थोड़ी बहुत हो बहुत तो आपके मोहल्ले में कोई बच्चे बीमार है क्या इसकी वजह से अब वर्तमान में अब तो ठीक हो गया हमारे बच्चों बीमार हुआ डेंगू हुई आपके खुद ही हुई कल परसों पांच सात दिन रही अब जा दुआई अब पांच चार दिन में उठवा लगी हूं तो भैया दोनों जबर पड़ते करा अभी अभी पांच चार दिन बाद भी फिर बा लगी हूं तो सख्यू बना लिया अपने रिश्ते वाला बापड़ा आवाज गाई देख कर फसा भाग जाए इसकी चढ़ को देख कर भाग जाते रिश्ते वाले इन देख कर फसा भाग जाए नहीं तो रिश्ता मकान सख्यू बना लिया अब तो रिश्ते वाले जो आपके लड़कों के रिश्ते करने आते है वो नहीं गंदगी देख भाग जा भैया अब बात है बेटा डंडा यहाँ से लेके वहाँ तक डंडा करे पूरा ताकि ये जो हम सामने वाले जो तीन घर हैं यहाँ पे ज्यादा दिक्कत आती है औरों को भी आती है लेकिन यहाँ पे ज्यादा दिक्कत आती है उधर भी पानी चढ़ता है। अच्छा यहाँ पे दीवार बनाई जाए इसके आसपास है ना दीवार बनाई जाए तो भाई दीवार तो बना सकते हैं कि क्यों और तो कुछ हो नहीं सकता इसका समाधान इसको पानी को कहाँ पे निकाल के जाएंगे ये पानी और कहीं निकल भी तो नहीं सकता ना इतना सारा पानी है ये निकल सकता है निकल और निकाल भाई वो तो है कि निकाल सकते हैं वो सरकार तो कुछ भी कर सकती है लेकिन इसको हमारे यहाँ पे थोड़ा कुछ तो होगी ताकि हम कुछ लोगों को तो राहत मिले यहाँ पे लोगों को ये जो आसपास इसके घर है उनको तो राहत मिले आसपास के लोगों को तो राहत मिले कुछ भी नहीं करवा रहे हैं मिट्टी भी नहीं गिरवा रहे थे पहले तो हमने ही मिट्टी गिरवाई है ये तीनों घर के सामने जितनी मिट्टियाँ दिख रही है इनके खुद ने हमने खुद ने गिरवाई अच्छा ये जो मिट्टी है आपके घर के सामने वो आपने खुद ने डलवाई है यहाँ पे हाँ ये हमने खुद ने हमारे पैसे से करवाई है ये जो सरकार तो कुछ करवाती नहीं है ये जो जितनी भी मिट्टी है ये सारी हमने गिरवाई है हमारे खुद के पैसों से हमने मतलब जब भी बारिश होती है तो हम हमारे सबके घरों में ऐसे नहीं कि हम तीनों के लेकिन ज़्यादातर यहाँ होती है वहाँ पे भी दिक्कत आती है वहाँ पे भी आती है पिछली बार वहाँ पे ECHS के सामने पूरी रोड टूट गई थी इस पानी की वजह से वो पानी की वजह से पूरी रोड टूट गई थी वो वापस सही करवाई है उन्होंने तो आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन नहीं दिया हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा पहले कहा था मतलब हमारे खुद के घर के थे सरपंच तो उनसे भी नहीं हुआ ये काम वो भी मतलब करवा रहे थे वर्तमान में सरपंच उनसे शिकायत नहीं की
उनसे तो शिकायत की थी, वो तो कह रहे थे कि आपके खुद के घर वालों ने नहीं किया तो हम क्यों करें। अच्छा, ये सरपंच तो ऐसे कहने वाले हैं हमारे यहाँ पे। हाँ, वो तो गांव की राजनीति ऐसी ही चलती रहती है, तो उनको भी ज़्यादा मतलब नहीं रहता। वोट मांगने आएंगे तो फिर देखा जाएगा, बोलेंगे हाँ हाँ करवा देंगे, उसके बाद कोई नहीं करवाता। समस्या है ये 20 फुट गहरा गंदे पानी का ये जगह तालाब हो रखा है, इसमें से मच्छर उत्पन्न होते हैं और यहाँ रात को कोई गिर जाए, कोई सेफ्टी वगैरह नहीं है। देखो आप कितनी परेशानी की बात है, और यहाँ से मच्छर फैलते हैं, लोगों को डेंगू हो रहा। आज के ज़माने में इनका ध्यान नहीं रखते।